गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों का मनपसंद डोरा केक। हाँ फ्रेंड्स, आपने डोरा केक मार्केट से लेकर बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको आंगनवाड़ी के मिल्क पाउडर से ही डोरा केक बनाकर दिखाऊंगी, जो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनने वाला है और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, उसके लिए मैंने लिया हुआ है एक खाली बाउल, आप देख सकते हो ये मैंने खाली बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर डालेंगे हम एक कटोरी मैदा, आप इस कटोरी का अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए मैंने एक कटोरी इसमें मैदा डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर, देखिए छोटी कटोरी मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, इससे हमारा केक काफ़ी फ्लफी बनेगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून हनी, तो देखिए ये मैंने 1 स्पून हनी ले लिया है, इससे हमारे केक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम लेंगे छोटी चम्मच वनीला एसेस, अगर आपके पास कोई ऐसे हो वो भी डाल सकते हैं आप, वनीला की जगह है और कोई फ्लेवर हो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लेंगे 1 कप दूध, तो देखिए मैंने 1 कप दूध लिया हुआ है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें मीठे का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है। फ्रेंड्स डोरा केक बच्चों को बहुत पसंद रहता है, इसे बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये घर के ही इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत भी नहीं होती है। जो घर आपके किचन में अवेलेबल हो उन्हीं चीज़ों से यह बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे दूध, हमने अपना दूध बॉईल कर लिया था और बॉईल होने के बाद यह ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना दूध डालूंगी और इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है आपको। तो देखिए अभी ये थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी मैं, इसका आपको बहुत ही अच्छा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने देने हैं। देखिए अब इसमें जो थोड़ा सा दूध और बचा हुआ वो भी मैं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन आपको इस प्रकार की बना लेनी है जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें जो बचा हुआ दूध है वो भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ना तो ये आपको ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा इसे पतला करना है। तो देखिए आप देख सकते हैं आपको इसकी कंडीशन इस प्रकार की कर लेनी है और इसमें जो लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर लेने हैं। देखिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आपको बिल्कुल इसे ऐसा ही तैयार करना है। अपने गैस को ऑन कर लूँगी और गैस के ऊपर रखूँगी अपना पैन, और पैन में डालूँगी थोड़ा सा घी, ज़्यादा आपको नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा इसे चिकना करना है। और आपको एक ही बार इसे चिकना करना है, बार बार बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए मैंने हल्का से चिकना कर लिया है। और अब हम अपने कप की सहायता से इसमें लेंगे इसे और इसका डोरा केक बनाने के लिए अपने पैन के अंदर इसे डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है बैटर, इस प्रकार का आपको बनाना है कि जैसे कि खुद ब खुद अपने आप फैल जाए। आप देख सकती हूँ मैंने इसे बिल्कुल नहीं फैलाया है, ये अपने आप फैल गया है। तो आप इसे धीरे धीरे चिकने के लिए इसी तरह रख दोगे। और अब मैं इसके ऊपर ढक दूँगी एक ढक्कन, जिसकी सहायता से ये आराम से धीरे धीरे सिक जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे सिकने में आपको ये 3 से 4 मिनट आराम से लग जाते हैं, क्योंकि आपको इसे लो फ्लेम पर सेकना है, एकदम हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं सेकना है। तो फ्रेंड्स अब मैं अपना ढक्कन ऊपर से उतार के आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर बबल से बन चुके हैं। अब मैं इसे चारों तरफ से छुटवा लूँगी ताकि ये नीचे की तरफ चिपके ना। तो देखिए अभी ये नीचे की तरफ से चिपका नहीं है, क्योंकि मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया हुआ है। और अब मैं इसे धीरे से इस प्रकार पलट लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा डोरा केक कितना अच्छा सिका हुआ है, आप चारों तरफ से इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे और सिकने दूंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे दोनों तरफ से सेक लेना है, देखिए मैंने इस तरफ से सेक लिया है इसे। अभी मैं थोड़ा सा और सिकूँगी दूसरी तरफ से, क्योंकि यह थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वाइट कलर का रह चुका है। फ्रेंड्स आप मिल्क पाउडर से बहुत ही बढ़िया बढ़िया और अच्छी अच्छी रेसिपी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा डोरा केक बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी
अब मैं इसमें डालूंगी दूसरा डोरा केक, तो इसे ऊपर से ढक दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पलट लिया है, आप देख सकते हो इसका कलर कितना प्यारा आया हुआ है। आपको इस प्रकार अपना डोरा केक सेक लेना है। ये काफ़ी फ्लफी बनता है बेकिंग पाउडर से, और जो मैंने इसमें वनीला एसेंस और वो डाला है उससे इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं एक एक करके इसी प्रकार अपने सभी डोरा केक बनाकर तैयार कर लूँगी। तो अब आप देख सकते हो ये दूसरी तरफ से भी कितना बढ़िया सिका हुआ है। अब मैं इसे एक तरफ रख दूँगी और अब दूसरा डोरा केक इसके अंदर डालूँगी। आपको बिल्कुल बीच में ही डालना है, यह खुद ब खुद अपने आप फैल जाएगा। बस आपको बैटर की कंडीशन का ध्यान रखना है कि बैटर की कंडीशन आपके इसी प्रकार की होनी चाहिए कि जैसे ही आप इसके अंदर बैटर डालो वो खुद ब खुद अपने आप फैल जाए, और इसमें जो बबल्स ऊपर आएंगे तो उससे आपको इसका ये पता लग जाएगा कि ये सिककर तैयार हो चुका है। तो देखिए इसके ऊपर बबल्स आ चुके हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। आपको बीच में इसे संभालना भी होता है, नहीं तो ये नीचे की तरफ से जल जाता है। अब मैं धीरे धीरे इसे चारों तरफ फैलाकर इसे पलट दूंगी। देखिए मैंने इसे पलट दिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया हुआ है। एक एक करके आप सभी डोरा केक को इसी प्रकार बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 3 लेयर्स तैयार कर ली हैं, आप देख सकते हो, और ये दिखने में भी बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। देखिए तो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अपनी चॉकलेट। चॉकलेट के बिना तो डोरा केक बिल्कुल भी नहीं सजते हैं, तो आप अपनी डेयरी मिल्क की कोई भी चॉकलेट मंगवा लीजिएगा। और इस प्रकार इसमें लेयर लगा के ऊपर से इसे इस प्रकार ढक दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डोरा केक बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। अब मैं इसे ही आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे आपको बीच में से कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं डोरा केक बच्चों को बहुत पसंद रहता है, ये खाने में बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे डोरा केक बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अब आप मिल्क पाउडर से और आंगनवाड़ी के मिल्क पाउडर से भी यह रेसिपी बड़े आसानी से बना सकते हैं आप अपने बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा, यह आपकी फैमिली के हर मेंबर को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगले एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।